हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और ये टैरो कार्ड रीडिंग हम उनके लिए कर रहे हैं जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो देखते हैं आज सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, तो यहाँ अभी तक जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वह आए हैं एडवेंचर, गिल्ट, अबंडेंस, द ड्रीम, बियॉन्ड इल्यूजन, सेलिब्रेशन एंड मोमेंट टू मोमेंट। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे तो आपने इस पर्सन की पास्ट की यादों को भुलाने में इनकी मदद की थी और इनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार किया था और इस पर्सन के अंदर पास्ट को लेकर जो कुछ भी गिल्ट था, उस गिल्ट को निकाल कर आपने इसकी लाइफ में अबंडेंस लाने की कोशिश की थी, इस पर्सन की लाइफ को खुशियों से भरने की कोशिश की थी। और इस पर्सन को ऐसा लगा भी था कि इसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है आपके रूप में, बट ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक आपका वो एहसान मान नहीं पाए हैं और इस पर्सन ने धीरे धीरे आपके उस एहसान को भुला दिया कि आपने इसके लिए कितनी कुछ एफर्ट्स डाले थे इस रिलेशनशिप में, आपने कितनी इसकी हेल्प की थी इसके पास को भुलाने में, इसको गिल्ट से बाहर लाने में, इनकी एंजाइटी और डिप्रेशन से इन्हें बाहर निकालने में आपने काफ़ी इनकी हेल्प की थी, इनके जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक आप इन्हें खुश करने में कामयाब भी रहे थे। इनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए आपने काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें की थी इन्हें खुश रखने के लिए, बट इस पर्सन ने धीरे धीरे आपके वो एहसान भुला दिए, आपका वो प्यार भुला दिया। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि अभी से आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आपके साथ की इसको ज़रूरत नहीं है और अब ये आपके बिना रह सकते हैं। तो पास्ट में कुछ इस तरह की ही इनकी एनर्जी थी, बट ऐसा लगता है इन प्रेजेंट इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हुई है, क्योंकि यहाँ बियॉन्ड इल्यूजन एंड मोमेंट टू मोमेंट आ गया है। अब ये पर्सन अपनी गलती को मान तो रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट चलना भी चाहते हैं और आपके बिना ये पर्सन खुश तो नहीं है। आज सुबह ये पर्सन आपकी यादों में खोए हुए थे, आपको याद कर रहे थे। ये पर्सन इन दिनों आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखने लगे हैं जब से इन्हें इनकी गलती रियलाइज़ हुई है, बट इस पर्सन का ईगो और घमंड अभी गया नहीं है। इस पर्सन को ये एहसास तो है कि आपने इसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने भावनाओं में बहकर आपके साथ कुछ अच्छे लम्हे बिताए हैं, बट इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि ये अपने पास्ट से निकलना चाहते थे और आपने इनकी पास्ट से निकलने में हेल्प की है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। बट अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक अटैचमेंट था और यही सोच इस पर्सन को आपसे दूर ले गई है। इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है और इन दिनों जो आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, इस पर्सन की इसी सोच की वजह से चल रही है। इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास तो है, आपने इसके लिए काफ़ी कुछ किया है, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं। इस पर्सन को कभी कभी आपके ड्रीम्स भी आते हैं, बट इस पर्सन को ये चीज़ ना मानना नहीं है, ये पर्सन मानने के लिए रेडी नहीं है कि इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको प्यार तो करते हैं बट मानने के लिए रेडी नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जो लम्हे भी इसने आपके साथ सेलिब्रेट किए हैं, जो भी लम्हे इसने आपके साथ बिताए हैं, वो भावनाओं में बहकर बिताए हैं, एज अ फ्रेंड बिताए हैं, तो इस पर्सन को इस चीज़ का ना बुरा भी लगता है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ लम्हे बिताए, जो इसने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपने उसे प्यार समझ लिया, बट इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो प्यार नहीं था, सिर्फ अटैचमेंट था। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न है इस पर्सन के दिल और दिमाग में बना हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को रोकते हैं आपकी तरफ आने से। इस पर्सन का दिल कहता है कि आपसे मिले, आपसे बात करे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करे आपके साथ में। इस पर्सन को आपके ड्रीम्स भी आते हैं, बट ये पर्सन ना जब दिमाग से सोचते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्यार नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट है, क्योंकि ये पास की यादों से निकलना चाहते थे, इसकी वजह से इनको ऐसा लगा कि ये प्यार है। तो इस पर्सन ने जो दूरी बनाई है ना, इसी वजह से बनाई है। इसकी जो मैंटेलिटी है ना, वो डबल है और आज सुबह भी इस पर्सन की जो थिंकिंग थी वो कुछ इस तरह की ही थी। तो ये पर्सन ना मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये आपसे प्यार करते हैं। इस पर्सन का दिल करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, और इस पर्सन को आपके बारे में सोचकर काफ़ी खुशी भी मिलती है, क्योंकि आपके और इनके जो बीच जो भी रिलेशन रहा था पास्ट में, ये पर्सन सारी बातों को याद करते हैं, इसे खुशी मिलती है उस सब से। बट ये पर्सन ना के लिए और इसके रिलेशनशिप के लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। इस पर्सन को अभी भी ना
ऐसा ही लगता है कि ये प्यार नहीं सिर्फ अटैचमेंट था जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो इस पर्सन को थोड़ा और वक्त लगेगा अपने आप को समझने में, अपनी फीलिंग्स को समझने में, आपको समझने में। और ये पर्सन जब तक इस सारी चीज़ों को समझ नहीं लेते तब तक आप दोनों के दरमियान ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चलता रहेगा। ये पर्सन आज सुबह आपको मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, बट हाँ, इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन हैं, ट्रू हैं। जितनी भी फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, चाहे वो फ्रेंडशिप वाली ही क्यों ना हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।